दिल्ली में सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि पानी भी प्रदूषित है और दिल्ली में पीने का पानी मानकों के स्तर पर नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के इस बयान पर रार मच गई है। बताते राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पासवान पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने जल मंत्री के बयान का हवाला दिया जिसमें दिल्ली के अंदर पीने के पानी के 20 सैंपल्स को यूरोपीय स्तर का बताया गया था। देखिए, पहली बात तो ये कि रामविलास पासवान जी संविधान की शपथ लेते हैं, उनको देश से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ फैला के, अफवाह फैला के ये आरएसएस का काम ना करे रामविलास पासवान जी। ये है जल मंत्री का बयान और जल मंत्री क्या कह रहे हैं, 20 स्थानों पर दिल्ली का वाटर सैंपल लिया गया और उन 20 स्थानों में दिल्ली का वाटर सैंपल सबसे यूरोपियन स्टैंडर्ड का पाया गया, बेहतरीन पाया गया। ये जल मंत्री का बयान है। जल मंत्री ने कहा कितने स्थानों पे लिया सैंपल, 20 स्थानों पे। रामविलास पासवान जी ने कितने स्थानों पे लिया, 11 स्थानों पर। दिल्ली जल बोर्ड ने कितने स्थानों की जांच कराई वाटर सैंपल की, 1,53,000 सैंपल, और 98% दिल्ली के जल बोर्ड का जो सैंपल है वो सही पाया गया, ठीक पाया गया। तो रामविलास पासवान जी झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये आरएसएस के दफ्तर की रिपोर्ट है कि मनोज तिवारी ने तैयार करके दिए, उनको बताना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से इसका तरीका जो बताया है केजरीवाल जी ने, 10 WHO का जो मानक है, 10,000 की आबादी पर एक सैंपल उठाइए और उसकी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।